नमस्ते, कोल फ्यूजन हिंदी के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। कुछ दिन पहले एलॉन मस्क ने स्पेस एक्स हेडक्वार्टर्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प प्रोजेक्ट का खुलासा किया, जिसमें उन्होंने योजना बनाई है कि कैसे आम नागरिकों को मून पर भेजा जाए एक टॉरस फ्लाईबाई के लिए। एलॉन के चरित्र पर काफी विवाद होते हैं, लेकिन एक सेकेंड के लिए सेलिब्रिटी वर्जन ऑफ एलॉन को साइड में रखकर हम इंजीनियरिंग साइड पर फोकस करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंपनी के सीईओ द्वारा प्रस्तुत किए गए ल्यूनार टूरिज्म के नए संसार की संभावना, कि ल्यूनार मिशन सिर्फ किसी कंपनी का कोई पागलपन नहीं है जो स्पेस इंडस्ट्री में अनुभव नहीं रखती। स्पेस एक्स नियमित रूप से उपग्रह लॉन्च कर रही है और नासा के कॉन्ट्रैक्ट के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कई टन सामान भेज चुकी है और अगले साल कंपनी स्पेस स्टेशन के लिए मैन्ड मिशंस शुरू करने जा रही है। इसके अलावा फाल्कन हैवी, दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट, को सफल टेस्टिंग भी हुआ है। रॉकेट बूस्टर को वर्टिकली लैंड करना कोई आसान काम नहीं था। ध्यान दे, जो आप देख रहे हैं वो 15 मंजिला इमारत से बड़ी है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए चलिए देखते हैं इस नए ल्यूनार मिशन के प्रस्ताव को। इस मिशन में 8 ध्यान से चुने गए यात्री होंगे जो स्पेस एक्स के नए BFR स्पेसशिप पर ट्रैवल करेंगे। यात्रियों का चयन कैसे हुआ, ये शायद सबसे दिलचस्प हिस्सा है, लेकिन हम थोड़ी देर में इस पर बात करेंगे। हमने पहले ही BFR के बारे में पहले के एपिसोड में बात की है, लेकिन मूल रूप से ये एक विशाल स्पेसक्राफ्ट है जो लंबी दूरी की यात्रा के लिए उपयुक्त है। ये 118 मीटर या 387 फीट लंबा है और 100 लोगों को ले जाने की क्षमता रखता है। हर यात्रा के लिए इसका इंटीरियर कस्टम कॉन्फिगर्ड होता है, जिसमें कार्गो, इमरजेंसी एयर और सप्लायर्स, लिविंग क्वार्टर्स और शायद जीरो ग्रेविटी एंटरटेनमेंट के लिए एरियाज होते हैं। तो मिशन शुरू होगा अर्थ से, एक लूप बनाएगा मून के आसपास और शायद थोड़ा और दूर स्पेस में जाएगा, जहां से मून और अर्थ दोनों को दूर से देखा जा सके। इसके बाद क्रू वापस अर्थ पर आएगा एक वर्टिकल लैंडिंग प्रोसीजर से। ये यात्रा कुल मिलाकर 5 दिन की होगी। BFR के लिए और इस यात्रा के लिए जो टेस्ट शेड्यूल है वो कुछ इस तरह है। अगले साल एक आधे घंटे की फ्लाइट होगी, फिर 2020 में एक हाई एल्टीट्यूड हाई वेलोसिटी फ्लाइट होगी और फिर पहला ऑर्बिटल टेस्ट 2021 में होगा। बहुत सारे टेस्ट रन होंगे बिना पैसेंजर्स के, लेकिन असली पहला मैन ऑर्बिट मून के आसपास 2023 में होगा अगर सब कुछ ठीक रहा तो। BFR का अनुमानित खर्चा लगभग 5 से 10 बिलियन डॉलर्स है। अब ये बहुत सारा पैसा लगा सकता है, लेकिन जब आप ये सोचते हो कि अपोलो मिशन ने 100 बिलियन से ज़्यादा खर्च किया था, तो BFR पुनः प्रयोग है, तो ये सिर्फ एक छोटा हिस्सा है खर्चे का। तो यात्री कैसे चुने जाएंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस में मस्क ने पहले यात्री को इंट्रोड्यूस किया सिविलियन ल्यूनार मिशन के लिए, जापानीज बिलीनियर मासाको नोजावा, एक पुराने रॉक बैंड ड्रमर और जापानीज ऑनलाइन रिटेलर जोस अ टाउन के फाउंडर। वो पहले BFR के कस्टमर हैं। धन्यवाद सभी का। ओ, मैं इंग्लिश बहुत अच्छी तरह से नहीं बोल सकता, तो कृपया रीसेंट केयरफ्री हिजाब की। उन्होंने एक्चुअली एक पुराना BFR स्पेसशिप खरीदा था। उनका योगदान स्पेसक्राफ्ट की रिसर्च और डेवलपमेंट को आंशिक रूप से फंड करेगा, क्योंकि वो बचपन से ही हिसाको हमेशा से मून की ओर रहा है। उन्होंने अपने सपने को पूरा करने का सोचा। आजकल कई लोग उन्हें उनकी अमीरी के लिए नीचा दिखाते हैं, लेकिन ये स्थिति बहुत अधिक न्यूसेंस्ड है। योसाको इस केस में एक्चुअली बहुत ही उदार है। उन्होंने कहा, मुझे अकेले ऐसा शानदार अनुभव करने का कोई शौक नहीं, मुझे अकेलापन पसंद नहीं, इसीलिए मैं इन अनुभव को शेयर करना चाहता हूँ और जितने अधिक लोगों तक पहुँचा सकता हूँ उतना पहुँचाना चाहता हूँ। ये कोट पहली बार सुनने में फनी लग सकता है, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा दार्शनिक विचार है। जापानीज बिलीनियर चाहते हैं कि वो मून राइड के लिए म्यूजिशियंस, फिल्म डायरेक्टर, राइटर और पेंटर जैसे आर्टिस्ट को फ्री ऑफ चार्ज इनवाइट करें। उन्होंने सोचा कि जब वो मून पर फ्लाई करेंगे और अर्थ को फुल व्यू में देखेंगे, तो वो बहुत अद्भुत कला का सृजन करने के लिए प्रेरित होंगे। योसाको सोचते हैं कि रिजल्टिंग वर्क सभी मानवता के लिए लाभकारी होंगे। उनका नया प्रोजेक्ट का नाम DMA है। अगर मैं खुद को बोलूं
तो ये व्यक्ति बहुत ही ब्रेव है क्योंकि उन्होंने अपना हाथ उठाया और कहा कि मैं ये करूँगा। ऐसा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए पहला वॉलंटियर बनना और अपनी ज़िंदगी को लिटरल सेंस में रिस्क करना बहुत साहस की बात है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एलॉन रिस्क के बारे में रियलिस्टिक थे। उन्होंने कहा कि वो फेयरली सर्टेन थे कि मिशन और डेवलपमेंट सब प्लान के हिसाब से चलेगा, लेकिन उन्होंने बार बार खतरों को स्ट्रेस दिया। जितना नंबर काम करते हैं, एलॉन कभी भी 100% सर्टेन नहीं हो सकते कि टेस्ट BFR फ्लाइट्स काम करेंगी। और फिर ऑफ कोर्स हम रियलिटी में हैं और रियलिटी में चीज़ें सही नहीं होती। आमतौर पर बहुत सारे सेटबैक्स थे और इश्यूज थे, लेकिन इतने सारे अनसर्टेनिटीज़ हैं कि हम इस फ्लाइट को लेकर सफल होने में 0.5% भी सर्टेन नहीं है। ये 1% भी सर्टेन नहीं है, जैसा कि मुझे लगता है कि ये काफ़ी लाइकली है, लेकिन ये सर्टेन नहीं है। हाँ, लेकिन हम सब कुछ मानवीयता से संभव करेंगे कि इस फ्लाइट को जल्दी से और सेफली लेकर आए। इस बात को देखते हुए मुझे पता है कि वहाँ बहुत सारे रिडक्शनिस्ट होंगे जो कहेंगे कि ये सब बकवास है, स्पेस में जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन ऐसे लोगों के लिए भी स्पेस में जाने से फ़ायदा है। स्पेस में जाना खास करके एक रीयूजेबल और रेगुलर फैशन में हार्ड है। प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए इनोवेशन की ज़रूरत होती है। इस प्रोसेस से जो ऑफन रिजल्ट निकलता है वो स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजीज होते हैं, जैसे कि न्यू मटेरियल्स या पावर जनरेशन में नॉवल इम्प्रूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल, नासा मिशन ने हमें स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजीज दी हैं, जैसा कि एयरक्राफ्ट एंटी आइसिंग, आपके स्मार्टफोन में डिजिटल इमेज सेंसर या सोलर पावर्स इन द करंट फॉर्म, जैसा कि एक नाइस लिटिल चेरी ऑन टॉप। बोइंग ने अपना नाम मार्स मिशन की रेस में डाल दिया है। उनका कहना है कि जो पहला क्रू मार्स जाएगा वो बोइंग की स्पेसक्राफ्ट में ही जाएगा। कॉम्पिटिशन्स बढ़ने से अच्छा होता है, इससे बेहतर प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जैसे टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कार्स में रिवोल्यूशन लाया, वैसे ही अब स्पेस ट्रैवल में भी कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। ये प्राइवेट स्पेस रेस का शुरुआत हो सकती है, जो बहुत ही अमेजिंग है। सोचो, बस 10 साल पहले हमने कभी नहीं सोचा था कि इतना जल्दी ऐसा कुछ होगा। जल्द ही हम फिर से मून पर वॉक कर सकेंगे। आखिरी बार हमने मून पर वॉक दिसंबर 1972 में किया था। ये बहुत ही एक्साइटिंग टाइम है और हमें इस स्टोरी को क्लोजली फॉलो करना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो यहीं पर रैप अप होता है। धन्यवाद देखने के लिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और अगर आपको लगता है कि किसी को यह वीडियो पसंद आएगी तो शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद देखने के लिए। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट एपिसोड में। चीयर्स गाइस, हैव अ गुड वन।